ग्वालियर एक ऐसा शहर जहां धार्मिकता का एहसास शहर की प्राचीनता से होता है। इस शहर के मंदिर भी पुरातन काल से अब तक न जाने कितने ही वैभव और समृद्धि को अपने भीतर समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर जहां सच्चे मन से अपनी अर्जी लगाने से आपकी हर अर्जी पूरी की जाती है। शायद यही कारण है कि लोग इस मंदिर को अर्जी वाले गणेश मंदिर के नाम से जानते हैं। 3 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करते आ रहे खंडेलवाल परिवार के मुखिया ललित खंडेलवाल ने कहा कि जितना उन्हें पता है, यह मंदिर लगभग 350 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। ये मंदिर 350 वर्ष पुराना मंदिर है। 125 वर्ष का हनुमान जी का मंदिर पीछे है, उसमें पीपल देवता विराजमान है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे अर्जी भी लगाई जाती है। जो लोग अपनी अर्जी लगाते हैं उनकी भगवान स्वीकार करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। जिन लेडीजों के जिनका बिजनेस जिनका कोर्ट में कचहरी चल रही केस चलती है उसका निवारण कर देते हैं गणेश जी अर्जी लगाने से। और यहाँ पे प्रति बुधवार को भंडारा प्रसादी होती है। प्रति बुधवार को शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक सुंदरकांड होता है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। यहाँ पे राधा रानी का मंदिर भी है, उसमें राधा रानी का 11 के दिन भोग प्रसादी लगती है। अर्जी वाले गणेश जी का नाम तो इसलिए है कि यहाँ पे जो लोग वहाँ अपनी अर्जी लेके आते हैं उनकी पूरी मनोकामना होती है, चाहे 7 बुधवार में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 5 में हो। अपनी अर्जी लिख के लाते हैं, नारियल लाते हैं, प्रसाद लाते हैं, कुछ भगवान के लिए भेंट भी लाते हैं, तो उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है भगवान से। वहाँ आगे बताते हैं हमको, भाई अर्जी हमारी पूरी हो गई महाराज जी, आज हम भंडारा कर रहे हैं, आज हम सभा मनी लगा रहे हैं, आज हम ये प्रसाद बांट रहे हैं। लोग भंडारा करते हैं, भंडारे में पूरा सहयोग रहता है जनता का। जब यहाँ कुछ भी नहीं था उस समय यह भगवान गणेश के मंदिर बेहद छोटे स्वरूप में हुआ करता था। इस मंदिर में स्थापित श्री गणेश की प्रतिमा बेहद चमत्कारी और दयालु है। यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी लगाने पर भगवान अपने याचक की जरूर सुनते हैं। खंडेलवाल ने बताया कि अक्सर मंदिर में लोग विभिन्न प्रकार की अर्जियां लेकर आते हैं, जिसमें खासकर जमीनी विवाद, दाम्पत्य जीवन में सुख संतान और पारिवारिक कलह एवं व्यापार में बढ़ोतरी जैसी विभिन्न प्रकार की अर्जियां लेकर लोग भगवान श्री गणेश के द्वार आते हैं। जिन लेडीजों के पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं, जिनका विवाह नहीं होता है, वो यहाँ विवाह के लिए अर्जी लगाई जाती है, उनका विवाह होता है। और पुत्र प्राप्ति की तो बहुत ही अर्जी वाले गणेश जी है और बुद्धि के दाता है, ये धन की प्राप्ति होती है इनसे मिलने से। भगवान से याचना करते हैं, भगवान से अर्जी लगाने के लिए लोग अपनी अर्जी लिख कर लाते हैं और नारियल एवं प्रसादी के साथ भगवान को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि अक्सर 9वें बुधवार तक आते आते भगवान उनकी अर्जी सुन लेते हैं। मंदिर में लगाई गई अर्जी जब पूरी हो जाती है तो लोग भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं और मनोकामना पूरी होने पर बोली हुई अपने हिसाब से पूरी भी करते हैं। इस दौरान कई लोग मंदिर में भंडारा करवाते हैं तो कई प्रसादी बंटवाते हैं तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार कई लोग विभिन्न प्रकार के दान भी मंदिर के लिए करते हैं। बताया जाता है कि भगवान गणेश की इस मंदिर में शहर प्रदेश या देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अर्जी लगाने आते हैं और पूरी होने पर भगवान के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। यह मंदिर शिंदे की छावनी मुख्य मार्ग पर स्थित है।